तो फिर स्टार्ट करते हैं जी नाजिम साहब हैं मीटिंग में आप मिस्टर नाजिम चले जी क्लास स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट ब्रेक किया था लेकिन इससे पहले कि मैं आज का सेशन कंटिन्यू करूँ जो आंसर्स मैंने शेयर किए थे क्विज़ के वो अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है आपको मैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वो मैं ओपन कर लेता हूँ उसका सोलूशन तो अगर कोई किसी एम में आपको ये प्रॉब्लम है कि इसका ये वाला आंसर क्यों है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं यस यू आर फ्री टू आस एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दि फोर्टी एम सी क्यूज आपको मेरी आवाज क्लियर है जी जी सर आ रही है आपकी आवाज़ जी यासिन साहब थैंक यू सर जी नाज़िम साहब आपको मैं ढूंढ रहा था बड़ी देर से पिक्चर रही भर आपका नाम और आपका जो काम है तकरीबन तकरीबन सेम ही है इस इस सिचुएशन में तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आ, स, त, तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ग्रुप में एडेड हैं व्हाट्सएप में जी सर अच्छा जी बिल्कुल इतना ठीक है ठीक है जी जी, जी जनाब दanish आपने माइक अनम्यूट किया था तो आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे जी इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन वी विल प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग्स यस सर आगे चलते जाएं ना यानी कि ये नम, पहले में भी कोई क्वेश्चन नहीं है नंबर 2 में भी नहीं है जिसमें होगा वो फिर तो देख लेते हैं नहीं नहीं अगर आपने तो गो थ्रू किए होंगे क्वेरीज नोट की होंगी ना अगर इस, इस तरह अगर वन वन गो करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर इसको स्पेसिफिक क्वेरी है ना तो वो काइंडली uh, पूछ लें कि कुछ पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आ रहे हैं उनको कनेक्ट नहीं हो रहा तो बहर ये नेटवर्क इशू है आजकल थोड़ा सा ना बहर टू है असल में मैंने आपसे चेक कर लूँ ज़रा कि ये जो सारे एम सी क्यूज है ना ये कहीं ना कहीं हवाले से हमने दोबारा डिस्कस करने हैं मैंने सेवेंटी या 90 के करीब एम और कंपाइल किए हैं आप लोगों के लिए बेसिक्स अकाउंटिंग के तो लेकिन वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूंगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा आफ्टर टू और थ्री क्लासेस जब हम सारा बेसिक अकाउंटिंग कवर कर लेंगे देखिए मेरी इस वक्त यहाँ पे ना थोड़ी सी आ, समझ मजबूरी है कि मैं बेसिक के बगैर आगे नहीं जा सकता क्योंकि जब मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा हूँ मैं इंपेयरमेंट पढ़ा रहा हूँ मैं रीवेल्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे जाके इफ एनी इज़ नॉट फुली इक्व विद द बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो फिर डिस्कशन जो है ना वो मेन स्ट्रीम से कहीं और चली जाती है तो आई uh, वुड उस जगह फिर टाइम फिर बहुत वेस्ट होता है फिर वो जो मेन स्टैंडर्ड का जो हक है ना वो फिर अदा नहीं हो पाता है तो इसलिए ये शुरू के दो तीन क्लासेस मैंने डेडिकेट की हैं तो आप इसको दोबारा गो थ्रू कीजिएगा चूंकि फॉर्मली अभी सब कर ठीक है सर क्वेश्चन नंबर और 17 का मैंने पूछना था, था। अच्छा इलेवन में हाँ वेरी गुड देखिए इलेवन में होता क्या है कि ये एडजस्टमेंट्स की ना दो कैटेगरीज मैंने आज अब एक्सप्लेन करनी है एडजस्टमेंट की एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं डेफरल और एक कैटेगरी इसको कहते हैं अक्रूवल ये जो बात हो रही है ना ये डेफरल की बात हो रही है और जब आप किसी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को यानी प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है उसको एडजस्ट करते हैं तो आप उस एसेट का एक पोर्शन एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ठीक है इसको कहते हैं डेफरल एडजस्टमेंट ठीक है deferral, uh, तो ये इनशाला uh, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन भी करूंगा तो ये मतलब होता है कि जब एक देखिए ना प्रीपेड आपने बारह महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया अब जैसे जैसे महीना गुजरता रहेगा आपने उस एकस, एसेट को एक्सपेंस में तो कन्वर्ट करना है ना ये मतलब है इसका और सेवनटीन पूछ रहे हैं yes, sir, 17. 17. जी ये वही चीज है ना ये अक्रूवल है बेसिकली ये अक्रूवल है कि वेन एडजस्टिंग फॉर रेवेन्यू दैट इज अकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड देखे ना आपने रेवेन्यू अकर्ट कर लिया है आपने गुड्स डिलीवर कर दी है या सर्विस परफॉर्म कर दी है लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या करेंगे आप एक रेवेन्यू अकाउंट इज इंक्रीज एंड एक्सपेंस अकाउंट इज इंक्रीज रेवेन्यू अकाउंट इज इंक्रीज एंड एन एक्सपेंस अकाउंट इज ये गलत मुझे लगता हो गया यहां पे होगा अ रेवेन्यू अकाउंट इज इंक्रीज एंड अ लाइबिलिटी अकाउंट इज डिक्रीज सी ऑप्शन करेक्ट होगा यस दिस इज सी आप करेक्शन कर लें क्योंकि आपने पहले दे, दे, सॉरी रिकॉर्ड किया होगा ना रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया होगा नहीं सर मेरा ख्याल है वो यहाँ पे जो है ना वो कह रहे है कि रेवेन्यू अक्कर हो गया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ जब उसे रिकॉर्ड करेंगे ना तो वो हाँ. रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और एसेट डेबिट होगा रिसीवेबल डेबिट होगा जो

यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू अबाउट अकॉर्डिंग प्री पेमेंट डायरेक्टली टू एन एक्सपेंस अकाउंट हाँ जी देखें होता यह है कि जब आप कोई पेमेंट एडवांस में करते हैं तो अल्टीमेटली वो उसका मकसद ये होता है ना कि आप आगे वाले पीरियड्स के अंदर एक्सपेंस नहीं पे करेंगे तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वो एक्सपेंस में तो कन्वर्ट हो जाएगा

तो कोई बात नहीं वो एडजस्टमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली एसेट रिकॉर्ड हो ही जाएगा ठीक है तो ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्री पेमेंट को एसेट रिकॉर्ड करें एक्सपेंस रिकॉर्ड करें एडजस्टमेंट के अंदर वो अकाउंट फॉर ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा शायद मैं गलत हूँ तो मुझे काइंडली ये बता दें कि ना अब होता ही है जैसे ये इस सवाल में था डायरेक्टली पेमेंट कर दी हमने एक्सपेंस अकाउंट में अब वो प्री पेमेंट थी सपोज सिक्स मंथ के लिए और हमने पहले महीने में छः महीनों का एक्सपेंस जब हम चार्ज कर देंगे तो उससे हमारा रेवेन्यू अंडर नहीं हो जाएगा नहीं सर वो मैं मैंता हूँ जब ये पहले महीने फॉर एग्जाम्पल जनवरी वन को आपने पेमेंट की है ठीक है और आप मंथली अकाउंट्स बनाते हैं ठीक है वैसे तो मंथली अकाउंट्स मैनेजमेंट अकाउंट्स बनते हैं लेकिन चलें क्वार्टरली अकाउंट बनाते हैं हम सिंपल बात करें तो 31 मार्च को आपने पहली एकाँट, पहला अकाउंट बनाना है ना बेसिकली जो एक्सपेंस की ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड होती है ना ये जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने लगते हैं ना तो आपको अपने तमाम अकाउंट बैलेंसिस को एडजस्ट करना होता है ठीक है अगर आपने किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन एक्चुअली वो उतना एक्सपेंस हुआ नहीं है तो आपको जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एसेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ठीक है तो अब इस केस में क्या होगा अगर आपने जनवरी वन को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया ठीक है तो इकतीस मार्च को वो तीन महीने गुजरे होंगे तो तीन महीने का एक्सपेंस होना चाहिए लेकिन आपने छह महीने का रिकॉर्ड किया है तो आप क्या करेंगे आप तीन महीने का एसेट डेबिट करेंगे और तीन महीने का एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे ताकि वो एक्सपेंस जो है वो तीन महीने का ही बाकी बच जाए ठीक है तो एडजस्टमेंट्स जब आप करेंगे ना जब आप क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले एडजस्टमेंट करना जरूरी होती है बिल्कुल थी? ठीक हो गया सर लेकिन सर वो फिर ये सवाल में क्वेश्चन जो है ना वो फिर इस तरह तो हमारा जो कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से तो फिर ये गलत हो जाएगा इस देखे इसमें बाकी जो ऑप्शन देखने वो क्या होगा एडवर्स इफेक्ट तो इसलिए नहीं होगा कि जब आपने नेट इनकम कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले एडजस्टमेंट तो करेंगे ना आप तो वो उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा ठीक है और ई वाला ऑप्शन भी इसलिए नहीं सही है कि अभी नेट इनकम अंडरस्टेट तो इसलिए नहीं होगी कि आप एडजस्टमेंट करेंगे एडजस्टमेंट के बाद तो कोई भी नेट इनकम कैलकुलेट नहीं ना होती और सी पॉइंट नेवर होना नहीं चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए इसलिए है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस कुछ चीजें ऐसी है जो कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के अंदर है उनका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है मसलन मतलब हम बहुत सारी चीजें ऐसी कहेंगे कि कि जैसे आगे स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स में भी हम बात करेंगे वहां पे साइलेंट होता है ठीक है जैसे लीजिंग की हम बात करेंगे एक जगह पे जाके के एक एक लीज को हम फाइनेंस लीज कब कहें तो उस पर्सपेक्टिव ऑफ द लेसोर क्योंकि और के पर्सपेक्टिव से जो लीजिंग अब खत्म हो गई है

और प्रोफेशनल जजमेंट का रोल आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने अलाउ कर दिया होता है तो वहां पे फिर आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को एज ए बेसिस यूज कर सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए मेजर चीज ये है जी अस्सलाम सर जी वालेकुम सर सर क्वेश्चन में 35 और 36 देखिएगा हाँ जी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है थोड़े से हाँ जी ले जनाब अच्छा डाउटफुल अकाउंट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये एक एस्टीमेटेड अमाउंट होता है जो आप इन एंटिसिपेशन रिकॉर्ड करते हैं कि जी हमारा कस्टमर अगर लूज करता है तो हम ये प्रोविजन यूज कर सके ठीक है जी और ये आई एस थर्टी सेवन के अगेंस्ट हम करते हैं आई एस थर्टी सेवन हमें अलाउ करता है ये इंशाल्लाह हम इसको रेफर भी कर लेंगे लेकिन यहाँ पे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट सेल अच्छा इसमें ना एक चीज याद रखिएगा देर आर टू अप्रोचेस टू रिकॉर्ड डेट्स एक्सपेंस एक को कहते हैं हम बैलेंस शीट अप्रोच और एक को कहते हैं हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच ठीक है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में ये होता है कि हम अकाउंट्स ये जो अलाउंस का अकाउंट होता है ना इसका बैलेंस हम इग्नोर कर देते हैं तो स्ट्रेट अवे जो हमें परसेंटेज दी होती है नेट सेल की हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं सिक्स फिफ्टी थाउजेंड का अगर हम पॉइंट जीरो थ्री लें तो उन्नीस हजार सौ रुपए जो आएगा एडजस्टमेंट ठीक है जी तो और एक होती है बैलेंस शीट अप्रोच ठीक है और आ, और जब आप अकाउंट क्रेडिट करते हैं ना उसे तो आप स्टेट अवे आ, थ्री परसेंट से क्रेडिट कर देते हो पांच सौ आएगा तो जब हम बैलेंस को इग्नोर करते हैं तो ऑलरेडी उसका फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज क्रेडिट बैलेंस था तो जब आपने उन्नीस हजार पांच सौ से इसको मजीद क्रेडिट कर दिया तो ये इसका बैलेंस हो जाएगा उन्नीस हजार नौ सौ पचास रुपए ठीक है जी क्योंकि जब हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यूज करते हैं ना जब नेट सेल्स के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो हम अकाउंट अलाउंस के बैलेंस को इग्नोर कर देते हैं ये आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा लेकिन अगर ये ये होता जिसे अगला सवाल है अगले सवाल में ये बैलेंस शीट अप्रोच है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बैलेंस को कंसिडर करेंगे यानी यहाँ पे देखे ना यहाँ पे साठ का सेवन आएगा तो ये आता है जी फोर्टी ठीक है तो फोर्टी टू हंड्रेड इसका बैलेंस होना चाहिए तो जो हम एंट्री पास करेंगे ना वो फोर्टी टू हंड्रेड माइनस करके एंट्री पास करेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है पांच सौ क्रेडिट एंट्री पास करेंगे थर्टी सेवन हंड्रेड से तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट जो उसका बैलेंस आएगा वो फोर्टी टू हंड्रेड ही आ जाएगा तो सर इसका फिर आंसर थर्टी सेवन हंड्रेड नहीं होगा नहीं नहीं उसमें सवाल देखे ना वो बोल रहा है कि द अलाउंस फॉर डाउटफुल डाउन शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस आफ्टर द एडजस्टमेंट वो तो एंट्री का अमाउंट नहीं पूछ रहा आपसे वो अकाउंट का बैलेंस पूछ रहा है आपसे तो अगर ये पूछता ना अगर ये पूछता ना कि एंट्री के सम अमाउंट से होगी तो फिर आपकी बात ठीक थी ओके जी जी इलाज में डीओपी हैं बंदे के। जी उस्मान साहब, हाफिज साहब। आई थिंक उस्मान साहब गलती से शायद अनम्यूट कर गए हैं। जी यानी अर्थ। ना। थर्टी नाइन। हाँ जी थर्टी स्टॉक डिविडेंड कहते हैं जी स्टॉक डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड कहते हैं जी पहले ये बताइए अली मर्जा आपका मैं क्वेश्चन लेता हूँ पहले जरा ये मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सॉरी अली हमजा डिविडेंड uh, सर मुझसे अली हमजा नहीं नहीं मैं तो ज, जनरली पूछ रहा हूँ आप बता दें अगर आपको पता है तो सर स्टॉक शेयर के अंदर से एक प्रॉफिट का कुछ पोर्शन होता है जो शेयर होल्डर्स की तरफ को जाता है अच्छा जी उसको डिविडेंड तो, कहते हैं और जो शेयर होल्डर होता है वो डिविडेंड को देते हैं पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अपने देते हैं जिनके पास शेयर उस कंपनी के होते हैं अच्छा जी नहीं तो ये स्टॉक डिविडेंड क्या होता है एक तो कैश डिविडेंड होता है शेयर्स इशू करते हैं जी 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 बिल्कुल यासिंग साहब यू आर राइट लेकिन थोड़ा सा यसीन साहब इनको भी जरा बोलने देना बच्चे बारे जी बोनस शेयर का मतलब यह होता है जी कि आप शेयर होल्डर को पैसे के बजाय शेयर्स दे देते हैं ठीक है अब देखें अब अब क्या होगा अगर हम ए, मैं चूंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ना जब भी आगे भी बात करूंगा ना तो मैं जनरल एंट्रीज की बात करूंगा क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फॉर एग्जाम्पल मैं इस इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है uh, मैं क्विकली शेयर कैपिटल कंसिडर करता हूं ठीक है वो लेट्स सुपीज़ वो वन लैक का है और रिटेन अर्निंग में एज्यूम करता हूं वो लेट सपोज वो ट्वेंटी थाउजेंड की है ठीक है और कंपनी ने क्या किया है कंपनी ने रुपीज फाइव थाउजेंड का स्टॉक डिविडेंड इशू किया है ठीक है रुपीज फाइव थाउजेंड का स्टॉक डिविडेंड इशू किया है अच्छा बेटा इसकी एंट्री ही होती है इसकी एंट्री होती है स्टॉक डिविडेंड की स्टॉक डिविडेंड की सिंपल एंट्री होती है क्योंकि आपने कोई कैश तो नहीं ना पे करना कोई शेयर ही पे करने हैं तो इसकी एंट्री होगी रिटेन अर्निंग्स डेबिट पांच हजार से और शेयर कैपिटल क्रेडिट पांच हजार से ठीक है जी अच्छा ये क्या हुआ लेट सपोज ये बिफोर बिफोर ये एंट्री थी ठीक है और आफ्टर जो बैलेंसेस हैं वो इस एंट्री के बाद वो लेट सपोज वो लेट सपोज क्या बल्कि जी एक लाख पांच हजार और ये हो जाएंगे फिफ्टीन थाउजेंड लेकिन टोटल ये वन ट्वेंटी ही रहेगा ठीक है ये भी टोटल कितना रहेगा जी ये वन ट्वेंटी ही रहेगा अब अब आप देखें तो टोटलिटी के अंदर जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो अनचेंज है अनचेंज है लेकिन क्या हुआ इस सवाल के अंदर क्या ऑप्शन ठीक है ये देखिए शेयर होल्डर इक्विटी नो चेंज और रिटर्न अर्निंग डिक्रीज लेकिन रिटर्निंग डिक्रीज तो हो गई ना वो अलग बात है कि रिटर्न अर्निंग का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है लेकिन रिटर्न तो कम हो गई तो इसीलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट जी एनीथिंग क्लियर है जी यस सर क्लियर अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कोई चीज़ कोई पॉइंट डिस्कस कर क्योंकि अभी देखें ना अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अभी तो कोई हमें स्पेसिफिक पे गई नहीं है कि चूंकि क्विज के हवाले से था तो ये कंफ्यूजन कुछ लोगों के रह जाती है तो ये बात चूंकि आगे कहीं पे मैंने इस तरह डिस्कस नहीं करनी थी लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर ली लेकिन जो बातें मैंने आगे डिस्कस करनी है वो मैं क्विकली जस्ट बता दूंगा ठीक है जी

बेसिकली ये हम आई टू में जाके डिटेल से पढ़ेंगे देर आर टू सिस्टम्स ऑफ इन्वेंट्री वन इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड वन इज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एट दिस पॉइंट आपके लिए ये समझना बस इतना काफी है कि अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो फिजिकल के साथ मैच नहीं करते यानी आपकी गुड्स की नेचर ऐसी होती है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे या रियल टाइम बेसिस पे अपडेट नहीं कर सकते तो आप पीरियोटिकली उसको अपडेट करते हैं ठीक है यानी पीरियोडिकली आप कॉस्ट ऑफ सोल्ड रिकॉर्ड करते हैं आप इन्वेंट्री को एडजस्ट करते हैं लेकिन दूसरा सिस्टम क्या लगता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच फिजिकल फ्लो ऑफ द गुड्स इज रिकनसाइल्ड या इज पैरेलल विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जैसे ही प्रोडक्ट सेल होगी आपके इन्वेंट्री अकाउंट भी एडजस्ट हो जाएगा और आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है तो अब जो नॉर्मली होता यह है कि पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम उन कंपनीज के लिए यूजेबल होता है जिनके अंदर बहुत लो वेल कॉस्ट आइटम्स होते हैं और ह्यूज इन्वेंट्री होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे किराना स्टोर हो गया ठीक है जैसे मेडिकल स्टोर हो गया ठीक है अब ये जो स्टोर हैं या जो आपके हार्डवेयर के स्टोर हो गए इनके पास बहुत ज़्यादा आइटम्स होते हैं तो इनकी जो इन्वेंट्री होती है ये डे टू डे बेसिस के ऊपर अपडेट करना प्रैक्टिकल नहीं होता तो इसीलिए इसको पीरियोडिकली वो अपडेट करते हैं लेकिन अगर आप आप देखें एक कार एक कार डीलर है या एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है उसकी इन्वेंट्री इतनी हाई वॉल्यूम या हाई कॉस्ट की है तो वो फिर क्या करता है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करता है और उसका बैलेंस भी वो कैलकुलेट करता है तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री uh, सिस्टम है वो uh, उन कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल होता है पीरियोडिक जिनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेंट्री होती है और लो कॉस्ट पे आती है ठीक है और और आपने ट्वेंटी सेवन आई थिंक पूछा था तो ट्वेंटी सेवन के अंदर हाँ जी देर आर टू कॉन्सेप्ट एक होता है मार्कअप एक होता है मार्जिन जी किसी को पता है मार्कअप मार्जिन में क्या फर्क है यासिंग साहब के अलावा मार्कअप ऑन द कॉस्ट होता है एंड मार्जिन जो होता है वो सेल्स में होता है इज ऑन कॉस्ट, यानी अब ये इसको याद रखने का ना बड़ा आसान तरीका है, अंडर अंडर कॉस्ट इज इक्वल टू हंड्रेड और अंडर मार्जिन सेल्स इज इक्वल टू हंड्रेड ठीक है जी देखें ना हंड्रेड में से ही हमने ब्रेक करना है ना अच्छा देखें रिटेलर सोल गुड रुपीजेंड इफ कॉस्ट कितनी है, है. तो ट्वेंटी फाइव जब एड हुआ तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई ठीक है the, अ, अ, अगर आपने सेल किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थाउजेंड है वो इक्वल टू वन पॉइंट टू Of X है भैया कॉस्ट कंप्यूट करनी है ना तो वन पॉइंट टू फाइव ऑफ एक्स है और टू फाइव जो है वो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है तो डिवाइड करें बटा कितना आएगा एक्स की, 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 की वैल्यू निकालनी है एट थाउजेंड एट थाउजेंड यस यस ठीक है जी ये आप जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना लोग ये वो ज्यादा चीजें उनके पास ज्यादा इस तरह की क्वेश्चन आया करेंगे लेकिन बहरहाल इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेवल के ऊपर मे भी आगे जाके एक दो जगह पे है हाँ हाँ रेवेन्यू के अंदर जाके एक दूसरा इस तरह की चीजें हैं

के अंडर मार्कअप कॉस्ट हंड्रेड होती है और अंडर मार्जिन अंडर मार्जिन सेल्स हंड्रेड होती है ये कॉमा में लगाना भूल गया हूं मतलब कॉमा आप लगा लीजिएगा तो पता लगे जी वो सर ने मार्कअप कॉस्ट क्या लिख दिया है ये कॉमा इधर इधर कॉमा लगा ले ले जी कॉमा मैंने लगा दिया ठीक है जी आप आई थिंक डिस्कशन अब काफी है तो फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम कर लेंगे लो जी हम अपना कंटिन्यू कर रहे थे आगे आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जी कुछ <coughs> अच्छा जी अब चूंकि ये अच्छा ये स्लाइड जो है ना ये मैं जरूर डालता हूँ चाहे मैं किसी भी लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ाऊँ चाहे वो बेसिक अकाउंटिंग हो चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो कोई भी लेवल होना तो मैं ये स्लाइड जरूर डालता हूँ रीजन ये है कि हमें पता लगे ना कि एज एन अकाउंटेंट हम किधर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हम किधर हैं तो अगर आप देखें तो टॉप के ऊपर दीज आर दी ओनर्स ठीक है ये ओनर्स हैं ठीक है अच्छा ये जो ऑनर होते हैं ये मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं अगर हम बात करूं थोड़ी सी ये ये ओनर्स हैं इनका पैसा लगा हुआ है और ये कारोबार को चला रहे हैं ये मैनेजमेंट इनके दरमियान जो ये लोग होते हैं ना बेसिकली ये ये लोग बेसिकली मिडल मैन होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये मिडल मैन होते हैं ये करते क्या है कि ये ए, इनके बिहाफ के ऊपर इनसे काम लेते हैं यानी वो के बिहाफ के ऊपर मैनेजमेंट से काम लेते हैं और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इवेलुएट uh, करके ये शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हैं बताते हैं तो ये बेसिकली ये इनकी तरफ भी होते हैं ये इनकी तरफ भी होते हैं ये दोनों ये मिडल मैन होते हैं तो एज एन अकाउंटेंट अगर हम देखें हमारा जो रोल है वो मैनेजमेंट के अंदर है और अगर आप फिलहाल मैं इन दो को इग्नोर कर दूं ये दो मैं अगर इग्नोर कर दूं तो कंपनी के अंदर Uh, एक हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ठीक है ना यही नंबर वन जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एक हमारा फाइनेंस uh, डिपार्टमेंट है और एक हमारा ऑपरेशन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो अगर हम देखें तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट uh, जो प्रोडक्ट हम बना कंपनी बनाती है उसको सेल आउट करता है वो और बड़ी सारी एक्टिविटीज है जो आप मार्केटिंग में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आ, या आपने पढ़ी होंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी हमारे ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है ऑपरेशन कर रहा होता है जबकि हमारा ताल्लुक है जी ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हमारा रन कर रहा होता है वो हेड करता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसको डायरेक्टर फाइनेंस भी कुछ कंपनीज में कहा जाता है कुछ कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस कुछ कंपनीज में सीएफओ ठीक है और जीएम फाइनेंस भी इसको बाकी कंपनीज में नाम जो भी आप इस पर रख लें लेकिन जो हेड ऑफ फाइनेंस होता है ये उसका रोल होता है इसके नीचे दो मेन डिपार्टमेंट आते हैं ये अभी एक कहलाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट नंबर वन इज फाइनेंस डिपार्टमेंट वो ट्रेजर आर कहलाता है और नंबर टू कहलाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट ठीक है दो डिपार्टमेंट है अच्छा अकाउंट्स और फाइनेंस में बहुत फर्क है जी ठीक है ये जब हम लोग स्टडीज करते हैं तो हम जनरली इनिशियली ये इग्नोर कर देते हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर कोई फर्क नहीं है हम अब तक यही एज्यूम करवाते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट और अकाउंट्स में फर्क है फाइनेंस डिपार्टमेंट डील मैनेजमेंट ऑफ मनी इट इज इट मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड दिस डिपार्टमेंट डील विद दी रिपोर्टिंग एंड एम आई एस ठीक है ये जो कंट्रोलर होता है ना जी ये जी आपने जैसे मैनेजर अकाउंट्स होता है तो ये कंट्रोलर होता है जबकि जो ट्रेजरार या फाइनेंस मैनेजर होता है वो उसका काम होता है पैसे की अरेंजमेंट करना बैंक से पैसे नॉर्मली अरेंज करना फाइनेंसिंग अरेंज करना शेयर होल्डर्स के साथ जो अगर हम राइट इशू करवाने गए हैं या अगर हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करवाने जा रहे हैं या और कोई मैटर्स हैं जिसमें पैसे की लेन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ठीक है जो आपका बहुत बड़ा एरिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे इन ये सारा का सारा एरिया फाइनेंस डील करता है जबकि जबकि जो, जो रिपोर्टिंग वाला बंदा है कंट्रोलर वाला बंदा जो है ये अकाउंट्स को हैंडल करता है अकाउंट्स की प्रेपरेशन रिपोर्टिंग और एनालिसिस वगैरह आईटी भी नॉर्मली इसी बंदे के अंडर होता है ठीक है आईटी इसके साथ स्ट्रॉन्गली लाइज ऑन कर रहा होता है इसलिए मैंने एम आई इसका वापस में अटैच किया कि कुछ कंपनीज़ के अंदर आई डिपार्टमेंट जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्गली या तो इनके अंडर होता है या इनके साथ सब अटैच करके काम हो रहा होता है तो ये है जी बेसिकली स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का अच्छा जी अब हम अपने आ, कोर एरिया पे जा रहे हैं कि अब आप दोनों सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे कुछ स्टूडेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं कुछ स्टूडेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि जी या क्या है और उसका क्या मकसद है? मी सर जी जी सॉरी सर मैं आपको हमें क्या कहते हैं ये पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा बाद में जी जी मैं अभी क्लास के बाद ये हर चीज बुक तो क्या कहते हैं अभी लिए नहीं है ना गए नहीं तो इसी वजह से कह रहे हैं नहीं नहीं बुक, बुक आपको बुक। मैंने लगवाई भी कोई नहीं है ये तो अच्छी बात होगी मेरे ख्याल थोड़ा सा अपडेट नहीं है बुक मैंने लगवानी भी कोई नहीं है और मैं आपको ना टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज नोट्स भेजा करूंगा और वो मैं अब आपको ना, क्योंकि हमारी एक हफ्ता पहले मैं अगले हफ्ते के नोट्स भेज दिया करूंगा जी सर। आ, suppose, आज है ना तो जो अगले मंडे को हमने पढ़ना होगा ना वो आपको आज मिल जाया करेगा जी सर और जो जो एम सी क्यू बैंक है ना वो मैंने आपको कहा जाके ले लें या आप अरेंज कर लें वो मैंने हाँ, वो एमसीक्यू बैंक है उसमें सिर्फ एमसीस है, है। थ्योरी नहीं है उसके अंदर ठीक है वो वो मैंने वो मैंने जरूर दिया हुआ है वहां पे और जरूर और और जो शेयर्ड फोल्डर है ना वो जरूर जाके विजिट करें मैंने उसमें और बड़ी सारी चीजें भी मैं डालूंगा अच्छा मैंने उसमें दो तीन चीजें और भी पुट की हैं लेकिन अभी मैंने आपको बताई नहीं है उसके बारे में एक मैंने कुछ वीडियोज है बेसिक काउंटिंग के वो डाले हैं वो मैं अभी आपसे नहीं शेयर कर रहा और एक मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वीडियोस रखे हैं वहां पे वो मेरे अपने वीडियोस है, मैंने तो मैं कि मैंने हैं मैंने खुद रिकॉर्ड किए रखे में आया था तो मैंने कहा ठीक मैं तो है थैंक यू सर जी। ठेक ठेक है। ठेक है जी। you, अच्छा जी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छा इसमें मैं टाइम सेव करूंगा डील एक्सटर्नल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाई जाती है जबकि जो मैनेजर अकाउंटिंग है इसका मकसद इंटरनल यूजर्स को फैसिलिटेट करना होता है इंटरनल यूजर्स के जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होती है ये इसका एंड रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या इसको फाइनल अकाउंट्स हम कहते हैं यानी देखिए ना अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस और जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कोई ना कोई आउटपुट तो आएगी ना तो जब अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपना प्रोसेस खत्म करेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी और जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना प्रोसेस खत्म करेगी तो मैनेजमेंट रिपोर्ट बनेगी उसको मैनेजमेंट रिपोर्ट कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है अच्छा आपको कोई बात ना समये तो आप मुझे यहाँ पे रोक सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है ये पास्ट को डील करती है हिस्टोरिकल डाटा पे अपना काम परफॉर्म करती है जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होती है ये आज और आने वाले कल से रिलेट करती है इसके अंदर फोरकास्टिंग प्लानिंग और आने वाले दिनों के बारे में बात होगी यानी इंफॉर्मेशन हरेजोन का डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग हो रही है पास डाटा की जबकि मैनेजर अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग हो रही है फ्यूचर एंड प्रेजेंट डाटा की अच्छा अब यहाँ पे ना ये बात का काफी स्टूडेंट क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या बिल्कुल ही पास डाटा को इस्तेमाल नहीं करते अकाउंटिंग जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर पास डाटा को यूज भी कर रहा है ना तो वो इसीलिए कर रहा है कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर की रिपोर्टिंग कर सके उसको फोरकास्ट कर सके जैसे आप ट्रेंड एनालिसिस जैसे एक बंदे ने भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात की है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पास डाटा की बुनियाद पे बिल्ड होगी ना जिसे रिग्रेशन रिग्रेशन इक्वेशन इक्वेशन कहते हैं वो डाटा की बुनियाद पे बिल्ड कर लिया आपने लेकिन आप उससे फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हाई लो मेथड ठीक है हाई लो मेथड में क्या होता है कि आप पास डाटा की बुनियाद के ऊपर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लेकिन जब भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टॉपिक पढ़े हैं ना तो आपने ये चीज जरूर जहन में रखनी है कि इसका ताल्लुक फ्यूचर से क्या है जब भी भी आप अकाउंटिंग स्टडी यू हैव टू एनालाइज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कि सर इसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट है इसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट है जैसे आप जो टॉपिक पढ़े हैं उसका बिल्कुल फ्यूचर में इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरीफाइबिलिटी पे बेस करता है यानी वो कहता है जी मुझे एविडेंस प्रोवाइड करो तो मैं मानूंगा लू आप, आपकी बात यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करेंगे आप एविडेंस की बेस के ऊपर रिकॉर्डिंग करते तो आप एक्सपेंस को बुक कर सकते हैं मतलब आपने सैलरी पे कर दी है सैलरी का वाउचर बना दिया सैलरी का चेक बना के आपने बैंक भिजवा दिया सैलरी की एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं ये एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग इस बेस पे नहीं हो सकती कि जी वो मैं सैलरी बना रहा हूं तो जितनी ये इतनी बनेगी तो मैं रिकॉर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो कहता है जी मुझे आप एक एविडेंस दे दे मुझे प्रूफ तो मैं ये एंट्री पास जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा को देखती है कि ये डाटा मेरे लिए रेलिवेंट भी है डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं या नहीं है वो डाटा को जो प्रोसेस करता है वो रेलिवेंस टू दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करता है ठीक है कि आप लेट्स सपोज अगर आप अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग शायद आपने स्टार्ट की हो या नहीं की हो मुझे आइडिया तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी आप डिसीजन लेते हैं मिसाल के तौर पर आपने एक डिसीजन लेना है कि मैंने ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करनी है ठीक है अब उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट और कौन कौन से रेवेन्यूज मेरे लिए रेलिवेंट है वो मैं रिपोर्टिंग के अंदर यूज करूंगा चाहे वो अब चाहे वो कहीं से भी मुझे मिले मेरे लिए रेलिवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा प्रेसाइज होता है जो बिल्कुल जब जब ये एक चीज ऑलरेडी हैपन हो गई है तो प्रेसाइज होता है जबकि जो फ्यूचर जो ये डाटा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये एस्टिमेटेड लेकिन टाइमली मिल जाता है आपको भाई देखे ना आपने रिग्रेशन इक्वेशन रन की फौरन आपको आंसर आ गया ठीक है जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट मैच होते हैं उसके अंदर प्रोजेक्टेड स्कोर निकालना बड़ा आसान होता है कैसे कैसे आसान होता है जी कि जो इस वक्त करंट रन रेट चल रहा होता है उसको आप रिमेनिंग ओवर से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें ऐड कर दें तो आपको प्रोजेक्टेड स्कोर पता लग जाता है कि जी ये मेरा प्रोजेक्टेड स्कोर है ठीक है लेकिन प्रिसाइड जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट वाले हैं जब तक वो हर बॉल स्कोर uh, नहीं हो जाती तो वो उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते कि जी इतनी इतना स्कोर हो गया लेकिन प्रोजेक्टेड स्कोर जो एरिया है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी टू टू बी एग्जाम्पल टू गिव एग्जाम्पल मतलब हार्ड एंड कोर एग्जाम्पल तो नहीं हो सकती है ना ये एक ही बंदा बना रहा है वो स्कोर पास का भी एक ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन uh, an uh, हो होती है जबकि मैनेजेरियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेगमेंटेड एंड डिटेल होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में एक ही फिगर सेल्स की रिपोर्ट होती है जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग सेल्स को कैटेगराइज uh, करता है डिफरेंट सेगमेंट्स uh, में प्रोडक्ट्स में एरियाज में ठीक है और उसको डिटेल वो एनालिसिस करता है प्लानिंग जब होती है ना तो बहुत डिटेल्ड होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीरियडिक होती है यानी उसको ईयरली क्वार्टरली बनाना होता है वो रोज बनाने नहीं बैठ जाते यानी उसकी जो एंड रिजल्ट है वो आपको क्वार्टरली या ईयरली बनाने पड़ते हैं जबकि जो मैनेजरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको एडहॉक बेसिस पे बनाना होता है यानी वो जब आप कहेंगे उसको जब रिक्वायर्ड होती है तब उसको आपको बनानी पड़ती है ठीक है ना आपने अभी डिसीजन लेना है आपको उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी जब बॉस ने कहा कि ये इंफॉर्मेशन मुझे बना के दो तो तभी बना के देनी है आप ये नहीं कहते सर ये तो पीरियोडिकली बनती है तो ये तो हम हफ्ते बाद बनाएंगे नहीं जब बॉस ने कहा क्योंकि डिसीजन रेलिवेंस है ना मुझे अभी डाटा चाहिए मुझे अभी डिसीजन लेना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है जनरली एक्सेसिबल होती है एवरी वन कैन एक्सेस जबकि मैनेजेरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऑडिट कराना जरूरी होता है किसी थर्ड पार्टी से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना जरूरी होता है जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है क्यों ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना कोई और रहा है इस्तेमाल कोई और करता है जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही बनाता है वही इस्तेमाल करता है वो अपने आप को तो ऑडिट ना करेगा बंदा जबकि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ये बनाता सी है लेकिन यूज करता है शेयर होल्डर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये हमारा रेलिवेंट एरिया आ गया जी इसके स्टैंडर्ड्स फॉलो करने जरूरी हैं जैसे हमारा आईएफआरएस है जो कि हमारा मेन uh, सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड्स ठीक है ये फॉलो करना जरूरी है ठीक uh, है गैप यूएस कंपनीज फॉलो करती हैं ठीक है कोई ना कोई फॉर्मेट जरूरी होता है गैप स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और आई एफ आर एस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जबकि यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोई फॉर्मेट नहीं है बॉस इज द फॉर्मेट जो बॉस ने कहा कॉलम ऐसे खे दो तो आपने कॉलम ऐसे खेही देने बॉस ने कहा जी कॉलम ऐसे ले जाओ ऐसे ले जाओ लेकिन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे कॉलम डिफाइन है यहाँ पे सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर EBIT, ये सब डिफाइन है यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मेट कैश फ्लो का फॉर्मेट डिफाइंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिफाइंड है यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मेट यू कैन नॉट इवन चेंज द नेम

लेकिन मैनेजेरियल अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो लीगल तो नहीं है बहरहाल लेकिन बहरहाल आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट है आपने जॉब करनी है तो बनानी पड़ेगी ना ठीक है आपको बॉस कहेगा जी बनाओ तो आपको चूंकि जॉब करनी है इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर जी जनाब एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस अच्छा ये क्विकली मैंने डाली थी चीज़ें कुछ जगहों पर बाजा कन्फ्यूजन आती है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ये बड़ा सिंपल सा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें मैंने इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है क्योंकि आप ऑलरेडी अर्ली स्टडीज में टाइप्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करके आए होते हैं लेकिन क्विकली मैं बता देता हूँ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस बिजनेस मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एंड मैनुफैक्चरिंग बिजनेस अच्छा आपके सिलेबस में कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है कि किसकी रिपोर्टिंग पूछी जाएगी ठीक है लेकिन स्पेसिफिकली uh, uh, आपको जो ये ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इनका बड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए uh, और जो लोग कॉस अकाउंटिंग पढ़ के आए हुए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से उनका बड़ा अच्छा आइडिया होगा और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं उनका सर्विस और मर्चेंडाइजिंग से बड़ा अच्छा आइडिया होगा तो बेसिकली सर्विस बिजनेस आर दोज बिजनेस दैट दैट प्रोवाइड इन टेंजिबल बेनिफिट्स टू द्लाइंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स हैं अकाउंटेंट्स हैं ठीक है टीचर्स हैं वगैरह वगैरह ठीक है और जबकि जो सॉरी टीचर्स तो मैं जब दे रहा हूँ उनकी फर्म्स होती हैं यानी अकाउंटिंग फर्म्स हैं लॉ फर्म्स हैं हॉस्पिटल्स हैं यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है बैंक्स हैं ये एग्जाम्पल हैं सर्विस की ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको मर्चेंडाइजिंग भी कहते हैं ये वो लोग हैं जो गुड्स खरीदते हैं लेकिन गुड्स की शेप तब्दील किए बगैर एज इट इज उसको आगे फरोख कर देते हैं ये ट्रेडर्स कहलाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेडर हैं वो गुड्स खरीदते हैं आबिद मार्केट से लेके आए और जाके काली आबिद मार्केट से लेके आए घड़ी शॉ में जाके बेच दी ठीक है तो ये ट्रेडर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग लोग कौन है जी ये गुड्स को रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में ये आप जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्ड स्टूडेंट्स वो इस एरिया पे अभी स्टार्ट ऑफ द कोर्स पे शायद एक तो टॉपिक इनके हैं जो इसको कवर करें रिवाइज करें लेकिन ये आप ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ के आए होंगे जिसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफेक्चर कंप्यूट करते हैं और फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स बेसिकली ये दोनों जो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे मर्चेंडाइजिंग कंपनी हो चाहे ट्रेडिंग कंपनी हो या चाहे मैनुफैक्चरिंग कंपनी हो दो कंपनीज में कोई भी कंपनीज हो इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेल्स ही होता है ठीक है इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेल्स ही होता है यानी सेल्स इज मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ठीक है जी? अच्छा इसके बाद तीन फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप भी होती है यानी बिजनेस को आप किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं

चलाता है वही उसके सियासफ़ैद का मालिक है पार्टनरशिप बिजनेस भी कॉन्सेप्ट वही है लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा मालिक हो जाते हैं जबकि कॉरपोरेशन जो है जिसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी इसको हम कहते हैं ये इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है यानी देर इज़ ए लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर दोज कंपनीज का कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि यहाँ पे मैनेजमेंट एंड ओनरशिप अलग अलग होती है तो जो शेयर होल्डर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो उसकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड होती है ठीक है ये कॉन्सेप्ट भी कहलाता है लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट यानी अगर एक कंपनी अपने डेट्स को मीट uh, नहीं कर सकती तो वी कैन नॉट कॉल शेयर होल्डर्स टू पर्सनली टू या टू इन्वेस्ट फर्दर इन ऑर्डर टू पे द डेट्स ठीक है जो जो चीज है वो कंपनी अपने एसेट से पे करेगी क्योंकि कंपनी जो है वो अपने एसेट्स की खुद मालिक है जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो अब वो एसेट कंपनी का है कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट करती है कंपनी कंपनी अपने नाम से एसेट्स को होल्ड करती है तो ये है जी फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप इसको भी आप देख लीजिएगा ये जितना मुश्किल नहीं है अच्छा ये अब यहाँ से हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी ठीक है तो इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस uh, करते हैं कि एसेट्स क्या है अच्छा ये मैं बता दूं कि जब हम अभी चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करेंगे वहां पे एसेट्स की डेफिनेशन प्रॉपर आएगी जी ठीक है तो यहां पे एसेट्स की के मुतालिक सिंपल है या, बात याद रखें कि एसेट इज रिसोर्स ठीक है एसेट इज ए रिसोर्स ठीक है और ये जो दो हैं ये जो दो हैं दो क्या लाइबिलिटीज और इक्विटी दीज टू आर सोर्सेस ये टू आर दी सोर्सेस तो कोई रिसोर्स का के दो सोर्सेज हैं यानी एसेट के दो सोर्सेज हैं या तो वो एसेट आपने मालिक ने खुद इन्वेस्ट किया है या वो एसेट आपने कहीं से बाहर से उधार लेके बिजनेस में लगाया है ठीक है तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमेशा बैलेंस रहती है ठीक है तो इसमें करंट एसेट की बात भी है नॉन करंट एसेट की बात भी है करंट लाइबिलिटी की बात भी है नॉन करंट लाइबिलिटी की बात भी है तो ये ऐसा ऐसा शाह हम चैप्टर वन में इसको क्योंकि फ्रेमवर्क का पार्ट है जी ये ये चीजें हमने दोबारा अंडरस्टैंड करनी है कि वट 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 इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी तो बड़ी स्पेसिफिक और इस वक्त क्योंकि हम आई एफ आर एस पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो अब हम यूज नहीं करेंगे अब हम स्टैंडर्ड्स की टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे स्टैंडर्ड्स के डेफिनेशंस को यूज करेंगे स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स को यूज करेंगे क्योंकि यही फिर हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे ठीक है ओके ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहां से फिर मैं न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर जाऊंगा थोड़े से नुमेरिकल मैंने करवाने हैं आज की क्लास में जो खैर पॉसिबल नहीं है लेकिन बहरहाल मैं इस स्लाइड को जरूर एक्सप्लेन करूंगा अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है जी जनरल एंट्री से मैं मेरा नंबरिंग कर दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ठीक है नंबरिंग फिर बाद में मिट जाती है नहीं होती नहीं है ले जी आठ स्टेप है जी अकाउंटिंग और एक आपके क्वेश्चन था जिसमें ए बी सी डी जी एफ जी एच तक वो सीक्वेंस था और वो कुछ लोगों ने वो सही किया था कुछ लोगों ने गलत किया था तो जिन लोगों ने वो सही किया था वो बड़ा वो इस तरीके से आप मैच कर लें कि ये सेम सीक्वेंस फॉलो होगा उस सवाल के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जनरल एंट्री से यानी कोई भी इवेंट जब हैपन होगा सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी सबसे पहले उसके बाद वो लेजर में पोस्ट होगी फिर एक ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसको हम कहते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अच्छा ये काम ये कर सकते थे हम

List of account, list of all accounts okay? having uh, with current balances. This ensures equality of, of debits and credits. तो ये आपने डेबिट और क्रेडिट की इक्वालिटी को इंश्योर करना होता है तो आप ट्रायल बैलेंस से उसको इंश्योर करते हैं अच्छा ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ये बात तो है लेकिन जो जो ट्रायल बैलेंस फॉरन लेजर के बाद बनता है उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते रीजन ये होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर उस वक्त हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं जब बुक्स और फिजिकल रियलिटी सेम हो जाए ठीक है होता यह है कि जब रिकॉर्डिंग हो कि लेजर बनता है ट्राइबल बनता है पूरे साल रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग होती है तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग के ऊपर वो नहीं होते जो बैलेंस में शो हो रहे होते हैं मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट मार्च को पूरे साल का रेंट पे किया था बारह हजार पे किया पूरे साल का रेंट फर्स्ट मार्च को अब इकतीस को आपने आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो आपने मार्च को एंट्री पास कर दी प्रीपेड बारह हजार से ही शो होगा लेकिन फिजिकली रियलिटी के तौर ये ऐसा नहीं है क्युं? कि दस महीने गुजर चुके हैं दस महीने का एसेट आपको एक्सपेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा

फाइनेंसियल स्टेटमेंट के बाद क्लोजिंग एंट्रीज हैं ये भी मैंने आपको अभी इसी स्लाइड में क्लोज तो कर, कर देते हैं और उसके बाद प्रिपेयर करते हैं उसके बाद अगले पीरियड के लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के लिए दोबारा रेडी हो जाती है तो ये है जी अकाउंटिंग साइकिल uh, और अकाउंटिंग साइकिल आपको एट दिस स्टेज ठीक है आ, ये मैंने गो थ्रू करवाना है दोबारा, खास तौर पे एडजस्टिंग एंट्रीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन का एक क्वेश्चन और एक ये क्लोजिंग एंट्रीज का कुछ एक दो सवाल मैं करवाऊंगा तो अब आज से ऑनवर्ड जो कल से इंशाल्लाह हम क्लास करेंगे तो कल से जो पहला एरिया है वो हम ये वाला एरिया टेकअप करेंगे एडजस्टमेंट दूसरा एरिया हम ये वाला करेंगे और थर्ड एरिया हमारा ये वाला एरिया होगा ताकि हम अपना अकाउंटिंग साइकिल जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर सकें बेसिक तौर पर जी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस अभी चूंकि मुझे थोड़ा काम है तो आई विल लीव द सेशन टुडे सर जी जी सर uh, sir, मैं हम जाऊँ मेरी अटेंडेंस पूछती है कि अटेंडेंस लग, लग, लगा लग, दी है? सर अटेंडेंस का ये इशू है कि अभी मैं पहले दिन गया था उधर कैंपस पे जी सर तो पहले दिन तो पहले पहले दिन दिन ना वो हमें शीट नहीं मिल सकी अभी शीट मेरे पास आई नहीं है लेकिन ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है ना वो मेरे पास थर्टी सिक्स शो हो रहे हैं अभी मे भी पॉसिबल के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा रहे हो तो इनशाला कल की क्लास से हम अटेंडेंस लगा लिया करेंगे अपनी प्रॉपर राइट सर एनी अदर क्वेश्चन जो ड्राइव का लिंक क्या काइंडली आप व्हाट्सएप पर दोबारा शेयर कर सकते हैं ये नाजिम साहब आप जरा काइंडली शेयर कर दें ओके okay, सर अच्छा ये ड्राइव का लिंक इसलिए बनाया गया था कि जो मटेरियल है ना सबको इकट्ठा ही मिल जाए ठीक है बाजार वो मटेरियल फिर वो भी दोबारा व्हाट्सएप करना पड़ता है अब आज को सिर्फ ड्राइव का लिंक जो है वो दोबारा शेयर करना पड़ेगा मटेरियल सारा वहाँ पड़ा हुआ है ऑलरेडी अब ये जो स्लाइड्स हैं और कुछ चीज़ें मैं आज डे एंड पे भी वहाँ पर अपलोड करूंगा तो इन फिर हम उसको कल से प्रोसीड करते हैं जी थैंक यू वेरी मच